नैना प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक से ये बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ा दावा किया है। 2019 की मतगणना में कथित धांधली के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ईवीएम के बाद बैलेट पेपर की गिनती हुई, ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ धांधली करने के लिए ऐसा किया गया था। प्रदेश की जनता भाजपा की नीयत को समझ चुकी है। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं हमेशा अपने काम के नाम पर वोट मांगता हूं। किसान, जवान और महिला पहलवानों के साथ हुई नाइंसाफी पूरे देश ने देखी है। बात आ रही है कि धोखे से हराया, वो बातें हैं। आप भी सभाओ में बोल रहे हैं कि इस बार सिर्फ वोट नहीं, सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट का मतलब क्या? देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ये कार्यशाली रही है, और चाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल पूरे देश ने देखा। किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के अंदर भाजपा ने उस चुनाव के अंदर किस तरह की रणनीति अपनाई, कैमरे पे ही कैद हो गई। और जैसे मैंने कहा कि हर तरीके से सरकारी तंत्र को किस तरह से का इस्तेमाल करते हुए प्रजातंत्र को पे चोट पहुंचाई जाए, ये भाजपा की कार्यशैली है। इसमें इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि सभी लोग मिलजुल के ये चुनाव लड़ें। और जो मैं सारे अपने समर्थकों से यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई, भाजपा के पास सत्ता बल भी है, उनके पास धन बल भी है, उनके पास तंत्र का बल भी है, उनके पास मीडिया का बल भी है। ऐसे में हम जो सारे हमारे जो शुभचिंतक है, जो समर्थक हैं, हम लोग मिलजुल कर अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और मिलजुल के हम चुनाव लड़ें, ऐसा मैं समझता हूँ हमारा सबका संकल्प है। अभी आप पीछे से आ रहे थे, एक कार्यक्रम था वहाँ पे, आपको क्या आपके पास अनुमति नहीं थी क्योंकि उस कार्यक्रम नहीं करने दिया? अनुमति तो थी, आज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, आपने देखा, अनुमति भी थी, लेकिन उसका प्रोग्राम आखिरकार आज सुबह वो प्रोग्राम रद्द करके, अनुमति रद्द की और कहा कि जी प्रोग्राम नहीं कर सकते, जो जिसमें महर्षि वाल्मीकि छात्र महासभा, एकलव्य छात्र संघ, अंबेडकर छात्र मोर्चा, CYSS और NHUI, पांच छात्र संगठन एकजुटता से प्रोग्राम कर रहे थे, और उसके बावजूद हमें वहां पर इजाज़त नहीं दी प्रोग्राम करने की, रद्द कर दी आखिर में प्रशासन ने। तो आप समझ सकते हो किस तरह का ये रवैया प्रशासन का है। अभी जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उससे क्या तनाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे बीजेपी उठा रही, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं? नहीं, लोगों में वो मुद्दे नहीं है। जो लोगों में हम जो मुद्दे लेके आए जा रहे हैं, वही मुद्दे इस बार लोगों के बीच में, उन मुद्दों पे लोग मतदान करेंगे। और हमारा मुद्दा एक ही है, हमने काम किया था जब यहाँ से मुझे आप लोगों ने आज मौका दिया, तो उस समय रोहतक लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में देश के मानचित्र पे लेके जाने का मैंने प्रयास किया, और आगे जब मौका मिलेगा तो दोबारा से उसी रफ्तार से रोहतक लोकसभा क्षेत्र देश के विकास के मानचित्र पे आए। और साथ में दूसरा, पहला मुद्दा रोहतक के विकास का है, दूसरा मुद्दा हरियाणा प्रदेश में बदलाव का है। हरियाणा में सियासी बयानबाजी की वजह से चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर अब परिवहन मंत्री असीम गोयल ने तंज कसा है, कहा कि इनका डब्बा बंद हो चुका है, इनके मल्टीप्लेक्स बंद हो चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 2019 की हार पर बड़ा दावा किया था, न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, और ऐसे में 2019 में लोकतंत्र की हत्या हुई, इस बार भाजपा के चक्रव्यूह को जरूर तोड़ा। अब इसी पर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर, दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा। यहाँ घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी को रोहतक के लोगों ने जिताया भी है, और अगर एक बार हरा भी दिया, हार जीत को स्वीकार करना चाहिए। और इतनी बड़ी बात, घमंड तो साहब किसी का, जैसे उन्होंने कहा बीजेपी का घमंड तोड़ेंगे, तो घमंड तो कभी किसी का नहीं रहता। घमंड आपने किया तो आपका भी जनता ने तोड़ दिया। चुनाव है, मैंने मोदी जी की गारंटी के नाते हमें विश्वास है, हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के अंदर टिकट देने का जो मामला है, पहले कांग्रेस को ये लगता था कि अकेली एक पार्टी कांग्रेस रेस के नाते दौड़ती थी पुराने समय में, और अकेली कांग्रेस ही जीत जाती,
और टिकट के ऊपर जिस तरह एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट मूवी होती है, ब्लैक के अंदर भी जो टिकटें बिकती थी कभी कांग्रेस का वो हाल था। आज कांग्रेस के मल्टीप्लेक्स भी खाली पड़े हैं क्योंकि इनकी फिल्म के अंदर कोई दम ही नहीं रहा, ना इनके किरदारों में दम है, ना इनकी स्टोरी में दम है, ना इस तरह नीति में, ना नेता में, नीयत में, किसी चीज़ में दम नहीं है। तो कभी जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट चीज़ें होती थी आज वो बिल्कुल ही डिब्बा बंद है। कांग्रेस इतना फिल्म बनने से पहले डिब्बा बंद हो जाता है, तो कभी बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर देने वाली कांग्रेस आज डिब्बा बंद हो चुकी है। दर्शकों ने यानी जनता ने, लोकतंत्र के जनता ने उनको हटा दिया। जननायक जनता पार्टी में बिखराव का सिलसिला लगातार जारी है। कोसी में पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। रामफल कोसिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल हुए रामफल कोसिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें 2019 में विधानसभा के उम्मीदवार थे जेजेपी की तरफ से, अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लगातार पार्टी से नेता छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कोसली में भी जेजेपी को तगड़ा झटका लगा है। रामफल कोसलिया ने पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए और इसी के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दावा किया कि इस तरीके से जो लोग शामिल हो रहे हैं पार्टी को मजबूती। हमारे रामफल कोसलिया जी जो कोसली से जजपा के प्रत्याशी भी रहे, उनके लगभग 20,000 वोट वहां से आए थे और वो इनेलो और जजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष रेवाड़ी के, और काफ़ी बड़ा संगठन के उनके पद रहे उनके पास, प्रदेशों के कई प्रभारी भी रहे वो। ऐसे हमारे सीनियर व्यक्ति हमारे को जो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं रामफल कोसलिया जी, उनके साथ बहुत से पदाधिकारी थे कोसली क्षेत्र से जो भाजपा और जजपा के से पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ अब दुष्यंत चौटाला के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी 75 पार का नारा देती थी, हमारे सहारे की जरूरत पड़ गई। बड़ा बयान गठबंधन टूटने के बाद अब दुष्यंत चौटाला की तरफ से आया है कि बीजेपी पिछले चुनाव में 75 पार का नारा देती थी लेकिन उन्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ी सरकार बनाने में। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुटकी ली, कहा कलह के कारण अभी उम्मीदवार तक पार्टी घोषित नहीं कर पाई। अपने विरोध पर कहा कि गिले शिकवे थे अब दूर हो गए। अभय चौटाला लगातार जिस तरीके से निशाना साधते हैं उसको लेकर कहा कि अभय चौटाला की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जिसमें हमें याद न किया गया। चौटाला चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने पार्टी छोड़ी, वो शायद भूले हुए कि उनने हमें पार्टी से निष्कासित। दूसरी चीज, आज 5.5 साल हो गए, ऐसी शायद उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रही होगी जिनमें वो हमें याद ना करते हो। उनको हमारे संगठन की चिंता छोड़कर अपने संगठन की चिंता कर लेनी थी। आज तो आखिरी नवरात्रा भी हो गया, मेरा तो एक बार विरोध हुआ था और वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे और गिले शिकवे थे, मिलकर दूर भी कर लिए। मैंने तो कहीं विरोध नहीं और देखा, और विरोध भी उसी का होगा जो मजबूत होगा, वो देगा तो विरोध भी नहीं करेगा। कांग्रेस तो हमेशा चाहेगी कि जेजेपी कमज़ोर पड़े और ये आपने देख लिया होगा, चाहे दिग्विजय सिंह का विरोध हुआ, चाहे डॉक्टर अजय सिंह का विरोध हुआ, विरोध करने वाले कौन थे? कांग्रेस ही थे। तो उनके तो मन में एक ही टारगेट है कि हमें कमज़ोर किया जाए। हम विचलित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अब तक एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई है कांग्रेस। ये उनकी कमजोरी दिखती है कि हरियाणा के अंदर वो एक उम्मीदवार भी फाइनल नहीं कर। पलवल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के लिए चुनावी समर्थन की अपील की। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला किया। भाइयों, ये लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने
चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। भाइयों मुझे ध्यान में है, ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने देश के किसानों के साथ भी अन्याय किया है। इन्होंने मात्र अपने इस पूरे कार्यकाल के अंदर 55-60 वर्षों के अंदर मात्र 28,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट था और आज नरेंद्र मोदी जी के समय में 1,28,000 करोड़ रुपए का किसानों को बजट देकर के कृषि के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपने साथी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज रेलवे ट्रैक पर अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया, जिसके चलते अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंदोलन के चलते 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 19 ट्रेनों के रूट डायवर्ट करने पड़े। ट्रेनों के रद्द होने से आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी, भारी भीड़ स्टेशन पर देखने को मिली। वहीं लोगों ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाया कि ट्रेनों के रद्द होने या फिर लेट होने, रूट डायवर्ट होने को लेकर उन्हें वक्त पर जानकारी नहीं। कुरुक्षेत्र से आए थे हम, बठिंडा जाना था। क्या बताया जरा आपको ट्रेन से? ट्रेन रद्द हो चुकी है। कैसे जाएंगे? अब बस में जाएंगे, ओखा तो मुश्किल तो होना ही पड़ेगा। ट्रेन अब सीधा वो टिकटें भी ली, वैसे वो भी किराया वेस्ट गया और अब बस में जाना पड़ेगा, इतना लंबा सफर है। शाम को पहुंचेंगे रात को। आप हमको जाना है वाराणसी सिटी। कौन सी ट्रेन है और कितनी? आम सफर है, अभी तक कोई अलाउंसमेंट नहीं हुआ है सर, इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे आती है ट्रेन? 1:50 पर सर। कुछ बताया जा रहा है कैंसिल हुई, लेट है क्या? नहीं सर, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कब आई कब नहीं जाएगी कोई सूचना नहीं है। यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी अभी मालूम हुआ कि किसान आंदोलन की वजह से गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ पर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि गाड़ियों का प्रबंधन ठीक से हो पाए। लगभग 19 गाड़ियाँ अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। डाइवर्जन का मेन रूट हमारा अभी फिलहाल अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होकर लुधियाना जाते हुए है। कुछ गाड़ियाँ जो डाउन में है वो जो फिरोजपुर डिवीजन में है उनको वाया लुधियाना धूरी जाखल से भी डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 5 गाड़ियां अभी तक शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं, मेनली इसमें पैसेंजर गाड़ियां हैं और कुल मिला के 36 गाड़ियां इससे प्रभावित हुई हैं। रेलवे की तरफ से व्यवस्था के लिए जैसे अंबाला स्टेशन है और जो पीछे की हमारे स्टेशन हैं राजपुरा, सरहिंद, खन्ना, इनमें हमने एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले हैं अगर किसी यात्री को रिफंड लेने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ गाड़ियों में चूंकि गाड़ियां प्रभावित होकर एक्स्ट्रा टाइम लेके जाएंगी तो इसमें पानी और कैटरिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए पूरे रेलवे सिस्टम को मोबिलाइज किया गया है और इन स्टेशंस पे जो हमारे ऑपरेशंस के, कमर्शियल के और आरपीएफ के स्टाफ हैं उनको स्टेशन किया गया है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। कल यूपीएससी का रिजल्ट घोषित किया गया था। इन परिणामों में एक बार फिर से हरियाणा के होनहार जमकर चमके हैं। रेवाड़ी में टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने यूपीएससी परीक्षा पास कर प्रदेश और अपने परिवार का मान बढ़ाया है। गुलाबी बाग में रहने वाले शिवम ने यूपीएससी में 457वीं रैंक हासिल की। शिवम के पिता टैक्सी चलाते हैं। शिवम ने बिना किसी कोचिंग के कामयाबी हासिल की है। शिवम के मुताबिक उनकी सफलता में परिवार और समाज दोनों का योगदान है। वहीं बेटे की कामयाबी पर पिता बेहद खुश हैं। IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग की है और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से रही। अभी जिस तरीके से कल रिजल्ट सामने आया, मन में कैसे लाए थे यूपीएससी की, कहां से प्रेरणा मिली? देखिए यूपीएससी के लिए मेरा प्रेरणा स्रोत हमेशा रहा है कि मैंने हमेशा स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मुझे मिली है तो मुझे लगता है कि समाज और देश ने मेरी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान किया है और उसी की वजह से मैं आज कुछ भी बन पाया हूँ। तो हमेशा से एक चाह थी कि मैं समाज के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान दूँ और उसमें मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सोशल सर्विस के लिए। तैयारियाँ कौन सी की आपने यूपीएससी की? मैंने तैयारी, मैं दिल्ली में रहता था पर मैंने कोई कोचिंग यूपीएससी के लिए नहीं ली है। सेल्फ स्टडी से आपने? हाँ जी। परेशानियां तो आती है लेकिन यह है हिम्मत नहीं हारते हम, थोड़ा सा परेशानियां तो आती रहती है ज़िंदगी में लेकिन यह है कुछ बच्चे ने ये सोच लिया ये करना है तो हमने भी हिम्मत बढ़ाई, भाई करना है तो बच्चे को तो हम भी कुछ अपनी तरफ से तकलीफ उठा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा तो कामयाब होगा इसलिए
थोड़ा करना पड़ता है। लगता जो परेशानियां उनका पल आज हाँ बिल्कुल रहता है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है मेरे से, बहुत कुछ दिया है, समाज ने भी बहुत कुछ दिया है मेरे से, बहुत रिस्पेक्ट दी है। मैं जाता हूँ, कॉलोनी है मेरी, गांव है मेरा, नांगलमुंदी गांव है मेरा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। कहाँ से कहाँ चला गया हरदा, तो बड़ी खुशी मिलती है मेरे को। उधर करनाल की रहने वाली गिरीशा ने भी यूपीएससी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये गिरीशा का आखिरी अटेम्प्ट था। इस आखिरी प्रयास में गिरीशा ने 263 बार रैंक हासिल किया। बेटी की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। बेटी के घर आने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। गिरीशा की कामयाबी बताती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट आया है, मेरी रैंक 263 आई है और बहुत खुशी है इस बात की। कब पता चला आपको, कौन सा आपका अटेम्प्ट था, इससे पहले आपकी क्या जर्नी थी? मेरे को आज ही पता चला, रिजल्ट तो आज ही आया है और मेरा 6th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट है। और जर्नी मतलब बहुत ही फेलियर से भरी हुई रही, बट आज लग रहा है कि वो सब फेलियर्स वर्थ इट थे जब सक्सेस मिल गया। और आज सक्सेस का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दोज फेलियर्स। HCS भी आपने क्रैक किया था, उसके बाद आपकी जॉब कैसी रही, आगे आप किस तरीके से अपनी सर्विसेज देंगे? नायब तहसीलदार की, HCS के थ्रू मुझे नायब तहसीलदार अलॉट हुआ था और उसकी जॉब ऑल्दो अभी शुरू ही हुई थी, बट बहुत रोमांचक रही, बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। अभी इलेक्शन ड्यूटी मेरी लगी हुई है तो बहुत ही एक्साइटमेंट है इलेक्शंस करवाने का। अभी तक तो वोट दिए थे, अब दिलवाने हैं वोट, तो वेरी एक्साइटेड। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डी फ्रीजर में एक पूर्व फौजी का शव मिला है। खरखोदा के रोहणा गांव का ये मामला है, जिस पूर्व फौजी की दुकान थी उसी दुकान के डी फ्रीजर से लाश बरामद हुई है। पूर्व फौजी वीरेंद्र 13 अप्रैल से लापता था। डी फ्रीजर से तेज बदबू आने पर बेटे ने जब उसे खोला तो उसके होश फाकता हो गए। गांव के कुछ लोगों पर परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। बताया गया कि मामूली कहासुनी किसी के साथ गांव में हुई थी, परिजनों ने उन्हीं लोगों पर हत्या का शक जाहिर किया है, पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। भाई शनिवार को घर से दुकान के लिए निकला था, अपने सह की दुकान कर रहा है, तो हमने फिर वो घर नहीं आया, हमने उसकी काफ़ी तलाश करी तो उसके साथ जो बैठे थे उसने डी फ्रीज में मार के डाल दिया। कौन थी भी? तो गांव के थे, एक तो रोटी है एक और उसका नाम नहीं जानता। क्या कारण है? तो आपस में कुछ मामूली बात का झगड़ा हुई थी। हाँ, कहा सुनी हुई थी। कब हुई थी? एक थोड़े दिन पहले हुई। आपको पता कब चला? मेरे भाई ने बताया था, पहले उनके साथ थोड़ा झगड़ा हो गया है, कहा सुनी हो गई है, फिर उसको आपने बैठ कर सुलझा लिया था। आपको पता चला कैसे कि फ्रिज में डाल रखा? वो हम अब उसके उसको तलाश कर रहे थे, फिर वो बाइक लेने गए ना तो फ्रिज से बदबू मार दी, तब पता चला। तब पता चला कितने दिन के बाद? वो हमें पता चला 16-17 तारीख को सुबह 12 बजे। वीरेंद्र नाम का फौजी व्यक्ति था जो अपनी चाय की दुकान कर रहा था, रिटायरमेंट हो गए रोहणा गाँव से आगे असनगढ़ की तरफ, और 13 तारीख से मिसिंग था और 15 तारीख ने उसकी घरवाली ने मिसिंग की दरख्वास्त दी थी, जो मिसिंग का हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और अभी ढूंढ रहे थे उसको। उसकी कल डेड बॉडी एक उसी की दुकान में बंद पड़े डी फ्रीज में मिली है, जो उसको निकाल कर डेड हाउस ले आए हैं, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है, अभी ये खुलासा नहीं होगा, पोस्टमार्टम के बाद में खुलासा होगा। कुछ सामने आया? ऐसे कुछ नहीं आया, वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने। किसी पर आरोप ही लगा? हाँ, वो गांव वाले कुछ व्यक्तियों के आरोप लगा रहे, भाई वो साथ में दारू पी रहे थे उन पर लगाया, गाँव के कुछ लड़कों को आदमी इकट्ठे बैठ के। जी, किसी बात को लेकर कहा सुनी नहीं? को ऐसी कोई बात सामने नहीं आई अभी। मामला दर्ज कर लिया? हाँ, मामला दर्ज कर लिया। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद जारी है, किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हिसार डीसी प्रदीप दहिया ने नारनौंद और हांसी की अनाज मंडियों का दौरा किया। किसानों से डीसी ने मिलकर लिफ्टिंग को लेकर सवाल जवाब किए, तो यहां पर किसानों ने बताया कि लिफ्टिंग में काफी देरी हो रही है, इस पर कुछ होना चाहिए। डीसी ने भी किसानों की समस्या को सुना और आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं को जल्द दूर कर दिया जाएगा। वाले एक हफ्ते में ऐसा तो नहीं इनके पास व्यवस्थाएँ कम हो, किसानों के लिए व्यवस्था कम कर रखी हो, या फिर तिरपाल वगैरह जैसे अगर
वो समस्या ना हो कि तिरपाल की कमी के कारण हमारी जो फसल है वो भीग जाए। और दूसरी बात है लिफ्टिंग, तो थोड़ा फास्ट करने के लिए इनको कहा गया है, तो ट्रांसपोर्टर से भी बात की गई है। एसडीएम साहब की ड्यूटी है यहाँ पर और आपके एसोसिएशन प्रधान जी भी हैं, इनके साथ मिलकर सबके साथ सबके सहयोग से व्यवस्थाओं को अच्छा रखना। तो रोड की भी समस्या आ रखी है सर, रोड का बड़ा बुरा हाल है। अभी मैं हांसी मंडी के बाद यहाँ का दौरा किया है जी, साथ में एक्शन साहब काफ़ी बुलाया था हमने उनको, तो वो साथ में ही हैं अभी नरवाल जी। तो ये रोड का भी अभी एक हफ्ते के अंदर आपको विजिबल चेंज दिखेगा, इसमें जो काम रुका हुआ था कुछ, क्योंकि तो ट्रेजरी से पेमेंट्स थी तो उस पर कर्ब लग जाता है, लास्ट में पेमेंट्स करा दी गई हैं, कल पेमेंट होगी। गोहाना में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के मामले में बड़ा एक्शन लिया है, दुकान का कनेक्शन काट दिया, 15,67,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। बिजली चोरी पकड़ी गई थी ड्राई क्लीनिंग की दुकान, जिसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। गोहाना में बिजली विभाग ने कार्रवाई की है, बिजली विभाग ने बिजली चोरी पकड़ी थी, दुकानदार पर 15,67,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कुछ दिनों पहले ही विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी, जुर्माना नहीं चुकाने पर विभाग ने अब एक्शन लिया है, दुकान का बिजली का कनेक्शन काट दिया है। अब 10-15 दिन पहले एसडीओ साहब और उनकी टीम द्वारा एक छापामारी की गई थी, जिसमें श्री सुरेश सुनो माईचंद के नाम से चोरी पकड़ी गई थी, जिसका अकाउंट नंबर 45,740,510 है। उस पर लगभग 15,67,893 का जुर्माना बढ़ा है, और उसके आज हमें आदेश दिए गए हैं कि भाई उनका कनेक्शन काट दिया जाए और उनकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाए। तो मैं उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए आया हूँ, जिसके हमने ये मीटर उतार दिया साइड से और वहाँ से सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट कर दी। तो सर, जुर्माना अभी तक भरा नहीं? नहीं, इन्होंने जुर्माना नहीं भैया भरा अभी तक, इन्होंने कहीं कोर्ट वोट में गए थे परंतु वहाँ पर इनकी अप्लीकेशन खारिज कर दी गई, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने कनेक्शन किया।